दोस्तों अभी आरबीएन कॉइन की प्राइस की बात करें तो वापस से अच्छा खासा मूवमेंट इसकी प्राइस में मिल रहा है। लगातार प्राइस जो है वो बढ़ती जा रही है। 11 INR जो है अभी प्राइस हो गई, USDT में बात करें तो 14 सेंट प्राइस जो है अभी हो गई है। कल भी इसमें अच्छा खासा मूवमेंट है, 20-30% का मूवमेंट देखने को मिला था। प्राइस जो है वो 10 INR के समथिंग थी, अभी 11 INR हो गई है। ऑलमोस्ट प्राइस में बहुत अच्छा मूवमेंट देखने को मिल रहा है। वन डे में अगर बात करें तो लगातार 4-3 दिन से लगातार स्ट्रॉन्ग कैंडल्स बन रही है, स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बन रही है। अच्छी खासी बाइंग जो है वो हो रही है। कल भी ऑलमोस्ट 1.12 बिलियन कॉइन बाई हुए, अभी भी अच्छी खासी जो बाइंग है वो हो रही है। बहुत अच्छा पंप हो रहा है इसकी प्राइस में। तो इसकी प्राइस में इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया था। अभी भी आप होल्ड आपने अगर लॉन्ग टर्म के लिए रखा है तो आप अच्छी खासी होल्डिंग इसमें कर सकते हैं, क्योंकि प्राइस जो है मार्केट जो है वो बुलिश पैटर्न पे चल रहा है, और बुलिश पैटर्न में इसमें हमें ज़्यादा कोई डाउन ट्रेंड देखने को नहीं मिला। करेक्शन देखने को मिलता है, देखिए करेक्शन जो है मार्केट में देखने को मिलता है। यहाँ पर आपने देखा होगा प्राइस में करेक्शन देखने को मिला, फिर वापस से मूवमेंट देखने को मिला। बिटकॉइन की अगर बात करें तो वो 46,000 पर उसको रजिस्ट्रेंड मिल रहा है, वो रजिस्ट्रेंड अगर ब्रेक होता है तो इसकी प्राइस में भी मूवमेंट हमें अच्छा खासा देखने को मिलेगा, और अगर वो रजिस्ट्रेंड ब्रेक नहीं होता है तो प्राइस लगभग इसी रेंज में चलेगी। थोड़ा करेक्शन यहाँ पर 14 INR पर की प्राइस चल रही है, अभी 13 INR तक आएगी। तो आपने अगर शॉर्ट की एंट्री ली है तो प्रॉफिट आपको अच्छा खासा मैं सोचता हूँ कि आपने यहाँ पर बाई किया होगा 9 पर, तो आपको ऑलमोस्ट 50% का प्रॉफिट हो रहा होगा। तो आप यहाँ पर 50% प्रॉफिट हो रहा होगा इतने कम टाइम में तो सेल कर सकते हैं। 50% नहीं हो रहा है और शॉर्ट की एंट्री है तो आप थोड़ा सा और होल्ड कर सकते हैं 2-4 दिन, और लॉन्ग एंट्री है तो लॉन्ग एंट्री वही आपको मिनिमम आप ये समझ सकते हैं कि 3 महीने से लेकर आपको 2 साल तक लॉन्ग एंट्री रखनी है, और ट्रेड कर रहे हैं तो फिर आपको 1-2 दिन में प्रॉफिट बुक करना है। चीज़ों को समझनी, स्टॉप लॉस भी चाहिए हो रहता है कि कहाँ पर आपको 2-3% पर स्टॉप लॉस लगाना है, सेल करना है वहाँ पर 4% पर, कि इससे ज़्यादा प्राइस नीचे जाएगी फिर, और इसमें इतना तो 4-5% तो नॉर्मली चलते ही रहता है। हम ये समझे कि 10% भी बहुत ही जल्दी इधर से उधर हो जाता है, तो वो चीज़ें हैं। तो मूवमेंट बहुत अच्छा है प्राइस में, अच्छा बहुत अच्छा मूवमेंट। मतलब अगर 4 आवर की प्राइस में अगर बात करें, 4 आवर के चार्ट में ऑलमोस्ट 500 मिलियन कॉइन्स जो है वो बाय हुए यहाँ पर, और एक अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी। देखिए प्राइस जो है अच्छी खासी ऊपर जाती है, विक बनती है यहाँ से। देखिए 15 INR प्राइस गई, यहाँ पर प्राइस जो है वो अच्छी खासी कैंडल बनी है, और इन कैंडल्स से क्या है इसकी प्राइस में अच्छा खासा मूवमेंट आ जाता है, और फिर वापस इसमें करेक्शन हमें देखने को नहीं मिल रहा है। बहुत अच्छा, मतलब मज़े आ गए इसकी प्राइस में, और इतने मज़े तो दूसरे कॉइन्स की प्राइस में आ ही नहीं रहे हैं। लगातार 20-30%, आज भी 30% का प्रॉफिट हो रहा है इसके प्राइस में 24 आवर में। और आज की जो कैंडल है, ये देखिए कल की कैंडल यहाँ पर क्लोज हुई, अभी सुबह ही क्लोज हुई है कैंडल। सुबह के टाइम क्लोज होती है नॉर्मली अगर हमारे इंडियन टाइम में बात करें तो, और उसके बाद फिर आज की कैंडल ही यहाँ से बनना स्टार्ट हुई थी, यहाँ से ठीक है 13 सेंट से, और 15 सेंट तक पहुंच गई ऑलमोस्ट। तो यही सारी चीज़ें हैं, और बाकी अपनी खुद की रिसर्च करें, चीज़ों को समझें अच्छे से, और उसके बाद फिर प्रॉफिट बुक करना है, बाय कहाँ पर बाय करना, कहाँ पर सेल करना, ये सारी चीज़ें अपने रिसर्च के हिसाब से करें। और मार्केट का आपको पता ही है, बहुत ज़्यादा रिस्की मार्केट है, तो बोरो करके लोन वगैरह से आपको इसमें बाय वगैरह नहीं करें, क्योंकि मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में चला गया था, वहाँ पर दिक्कतें हो जाती, बहुत सारी चीज़ें रहती है। तो यही सारी चीज़ें, वीडियो अच्छा लगा लाइक जरूर करें, थैंक यू।